गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको SST के क्लास 6 में हिस्ट्री का लेसन 1 पढ़ाने जा रही हूँ। इस लेसन का टॉपिक है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, मींस क्या, कब, कहाँ और कैसे। आज इस लेसन में हम ये पढ़ेंगे कि अतीत के बारे में, पास्ट के बारे में, कि चीज़ें कब, कहाँ, कैसे होती थीं और इनकी जानकारी कैसे होती है कि कब, कहाँ, कैसे, क्या हुआ। आज इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। तो इसका पहला पॉइंट है फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। तो लेसन के स्टार्ट में आपकी टेक्स्ट बुक में सबसे पहले इसमें एक गर्ल है, जो गर्ल न्यूज़पेपर पढ़ती है और न्यूज़पेपर की हेडिंग जब वो पढ़ती है तो उसमें एक हेडिंग वहाँ पे दी हुई है जिसको वो पढ़ती है 100 साल पहले। तो जब वो हेडिंग पढ़ती है तो उसको ऐसा लगता है, वो सोच में पड़ जाती है कि ये जो न्यूज़पेपर में दी हुई है 100 साल पहले, तो आखिर 100 साल पहले की ये जो न्यूज़ डिटेल में दी है तो ये न्यूज़ मिलती कैसे है, कि मतलब कैसे व्यक्ति जान पाता है कि 100 साल पहले क्या हुआ और कैसे हुआ। वो ये सोचने लगती है, उसके मन में ये भी विचार आता है और हम भी ये देखते हैं, हम भी ये सोचते हैं कि ठीक है, आज यदि कोई घटना हुई या कल कोई घटना हुई तो ऑब्वियसली आज की घटना, कल की घटना तो हम न्यूज़पेपर से पता कर सकते हैं, टेलीविज़न में हम सुन सकते हैं, रेडियो से हमें जानकारी मिल जाती है। लेकिन इसके साथ साथ यदि 1 साल पहले की भी कोई घटना है, 2 साल पहले की भी घटना है तो हो सकता है वो टेलीविज़न के थ्रू तो उस समय पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो 1 साल पहले या 2 साल पहले जो घटना घटी तो उस समय की जो व्यक्ति उस घटना के समय मौजूद था उसकी स्मृति से या उसकी मेमोरीज़ में यदि वो बात है तो वो हमको बता सकता कि हाँ पिछले साल या आज से 2 साल पहले ऐसा हुआ था। लेकिन यदि 100 साल पहले ऐसा हुआ है तो उसकी जानकारी कैसे प्राप्त होगी। इस चैप्टर में, इस लेसन में हम इन्हीं सोर्सेस के बारे में आज पढ़ेंगे कि लाखों वर्ष पहले, हजारों साल पहले व्यक्ति जब, कहना चाहिए, विकास के पथ पर अग्रसर हुआ या वो सिविलाइज्ड हो रहा था तो उनकी जानकारी हमें कैसे मिली। इस चैप्टर में आज हम यही देखेंगे, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, कि हम कैसे जान सकते हैं हमारे अतीत के बारे में। तो बहुत सारे साधन हैं जिनसे हम अतीत के बारे में जान सकते हैं कि पहले लोग क्या खाते थे, कैसे घरों में रहते थे, क्या पहनते थे, उस समय के जो, कहना चाहिए, हंटर हैं, हंटर मीन्स होता है शिकार करने वाले, कि हंटर्स होते थे तो वो कैसे होते थे, गैदरर मतलब होता है संग्राहक, इकट्ठा करने वाले, जो जंगल से या फॉरेस्ट की जो चीज़ें होती हैं उसको इकट्ठे करने वाले को हम गैदरर बोलते हैं। तो हंटर गैदरर्स कैसे होते थे, फार्मर्स कैसे होते थे, किसान कैसे होते थे, मर्चेंट कैसे होते थे उस समय के, व्यापारी कैसे होते थे, इसके साथ साथ आर्टिस्ट होते थे कि नहीं होते थे उस समय, कहना चाहिए, और साइंटिस्ट होते थे या नहीं होते थे, हर्डर मीन्स होता है पशुओं को पालने वाले, पशुपालक जो हैं तो वो होते थे तो कैसे होते थे, और इन सब चीज़ों की हमको जानकारी मिलती है। ये बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। इसके अलावा, कहना चाहिए, उस समय के बच्चे कौन से खेल खेलते थे, बच्चे कैसे नाटक खेलते थे, बच्चे कैसा प्ले करते थे, और बच्चे कौन सी स्टोरीज सुना करते थे, कैसे गाने गाते थे कि नहीं गाते थे, गाने सुनते थे कि नहीं सुनते थे, मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं हमको पास्ट के बारे में इस लेसन में, हम मतलब पुरानी चीज़ों को कैसे जान सकते हैं, किन सोर्सेस से जान सकते हैं, इसकी जानकारी आज हमको इस हिस्ट्री के 1st चैप्टर में मिलेगी। इसके बाद हम ये देखेंगे वेयर डू पीपल लिव, कि लोग रहते कहाँ थे अतीत के समय में, पुराने समय में मोस्टली लोग कहाँ पर रहते थे। तो पुराने समय में, आज से 100 साल, हजारों साल, लाखों साल पहले की यदि हम बात करते हैं तो
मोस्ट ऑफ द पीपल दैट टाइम दे वर लिविंग ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर, वो लोग नदियों के किनारे रहते थे और साथ ही साथ हिल्स में भी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी नर्मदा नदी के बारे में कि लोग जो है उस समय पुराने समय में नर्मदा नदी के जो बैंक्स हैं, जो किनारे हैं, वहाँ पर वो रहते थे, वहाँ पर उन जंगलों का वो उपयोग करते थे, वहाँ से कहना चाहिए फ्रूट्स को, रूट्स को या फॉरेस्ट प्रोडक्ट को इकट्ठा करते थे, उन चीज़ों को वो खाते थे और साथ ही साथ जो है सारी उनकी मतलब जंगल की उनकी सारी जानकारी होती थी, वहाँ पे वो लोग रहते थे। इसके साथ साथ वो लोग हंटिंग भी करते थे, शिकार करके भी वो अपना जीवन यापन करते थे। इसके बाद हिली एरियाज़ में भी लोग रहते थे, जैसे नॉर्थ वेस्ट के सुलेमान और किरथर हिल्स जो हैं, वहाँ पे लगभग 8000 साल पहले वहाँ पे स्त्री और पुरुष जो लोग थे वो लोगों ने कहना चाहिए गेहूँ यानी वीट एंड बार्ले, गेहूँ और जौ की जो फसल है उसको पहली बार जो है वहाँ पर उगाया, उसको ग्रो किया। और इसके साथ ही साथ जो है नॉर्थ ईस्ट के गारो हिल्स और सेंट्रल जो इंडिया है उसकी कहना चाहिए विंध्य हिल्स, वहाँ पर भी पहली बार लोगों ने कहना चाहिए चावल की खेती की और इस तरीके से वहाँ पे उन लोगों ने अपने जीवन को डेवलप किया, लोगों ने खेती करना सीखा। और कहना चाहिए पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो अर्ली मैन होते थे वो उनके जीवन में बहुत भटकाव था, वो अपने खाने पीने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकते थे, लेकिन यहाँ पे जब नदियों के किनारे लोग रहने लगे, उन्होंने खेती करना सीखा, चावल उगाना, गेहूँ, बार्ले, जब ये चीज़ें वो करने लगे तो उनके जीवन में स्थायित्व आ गया। मतलब अब वो एक जगह पे अपनी खेती करने लगे, अपनी फसलों की देखभाल करने लगे, इस तरीके से जब वो खेती करने लगे तो स्थायित्व आया। प्लस कहना चाहिए वहाँ पे उन लोगों ने शीप, गॉट जो है, काऊ, ऑक्स, मतलब जानवरों को भी पालना शुरू किया। इस तरीके से उन्होंने कहना चाहिए खेती करना और प्लस जो है पशु पालना, ये दोनों चीज़ सीखे जिनसे उनके जीवन पे स्थायित्व आया। प्लस जो है कहना चाहिए एग्रीकल्चर का इस समय पे डेवलपमेंट हुआ। इसके बाद अभी हमने बात करी कि लोग जो है नर्मदा नदी के जो तट थे, जो बैंक्स थे, वहाँ पे रहते थे। साथ ही साथ जो है उस समय लोग सिंधु नदी जो है, इंडस नदी जो है, सिंधु नदी उसके किनारे भी कहना चाहिए लोगों ने अपने जो सिटीज़ हैं वहाँ पे वो डेवलप हुई, लोगों ने वहाँ रहना चालू किया। इसके साथ साथ जो सिंध नदी की जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं उनके किनारे भी कहना चाहिए सिटीज़ जो हैं धीरे धीरे फ्लॉरिश्ड हुई, फली फूली बढ़ी जो हैं, वहाँ पे उनका डेवलपमेंट हुआ। अब ट्रिब्यूटरीज़ क्या होती हैं, जो ट्रिब्यूटरीज़ जो होती हैं उनको हम हिंदी में सहायक नदियाँ कहते हैं। मीन्स जो स्मॉल रिवर्स जो होती हैं जब वो लार्जेस्ट रिवर में मिलती हैं तो वो उनको हम ट्रिब्यूटरीज़ कहते हैं। तो इन कहना चाहिए सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे लगभग 4700 साल पहले की बात मैं कर रही हूँ, वहाँ पर नगरों का विकास हुआ, सिटीज़ जो हैं वो फ्लॉरिश हुई। इसके अलावा सिंधु नदी के साथ साथ जो गंगा नदी का जो बैंक्स हैं, जो किनारे हैं, तो गंगा नदी के किनारे भी हमको लगभग कहना चाहिए 2500 ईयर्स पहले की बात करी, 2500 ईयर्स पहले की बात मैं कर रही हूँ, तो वहाँ पे भी सिटीज़ का कहना चाहिए डेवलपमेंट हुआ, वहाँ पे भी सिटीज़ फ्लॉरिश हुई। मीन्स जो सिंधु नदी है वहाँ पे लगभग 4700 ईयर्स पहले की बात मैं बता रही हूँ और जो गंगा नदी है वहाँ पे लगभग 2005 ईयर्स पहले जो है कहना चाहिए जो सिटीज़ जो हैं वो डेवलप्ड हुई। इसके साथ साथ गंगा नदी जो है उसके साउथ एरिया में भी उस समय जो है मगध राज्य जो है वो डेवलप्ड हुआ। मगध मतलब आज यदि हम वर्तमान की स्थिति में देखें तो बिहार, वहाँ का जो रूलर था, रूलर मतलब शासक, तो वो भी बहुत पावरफुल हुआ। उसने अपना कहना चाहिए किंगडम स्थापित किया और भी देश के अनेक ऐसे राज्य थे जहाँ पे उस समय किंगडम स्थापित हुए। इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रेवल की, क्या पुराने समय में, इतिहास में, अतीत काल में लोग ट्रैवलिंग करते थे? तो हाँ, उस समय भी लोग ट्रैवल करते थे हिली एरियाज़ में, माउंटेन्स, डेजर्ट, सी,
मतलब कहना चाहिए रूट्स, हर तरीके से वो जर्नी करते थे। लेकिन उस समय की जो जर्नी होती थी वो डेंजरस होती थी, क्योंकि हिली एरियाज़ में जाना आना, तो लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि डिफ़िकल्ट वो होती थी पर इम्पॉसिबल नहीं होती थी। उस समय भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, बहुत सारे रीज़न से जाते थे उस समय भी, मीन्स जैसे लाइवलीहुड कि भाई अपना जीवन यापन के लिए, अपनी अर्निंग के लिए लोग एक स्थान से कहना चाहिए दूसरे स्थान पर मूव करते थे, अपने लाइवलीहुड के लिए वो जाते थे। इसके साथ साथ लोग और भी रीज़न थे, जैसे नेचुरल डिज़ास्टर, मीन्स जैसे कभी फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गया, या फिर अर्थक्वेक, तो नेचुरल डिज़ास्टर के कारण भी, प्राकृतिक जो आपदाएँ होती हैं उसके कारण भी लोगों ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करना चालू किया, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। साथ ही साथ मर्चेंट्स जो होते थे, व्यापारी वर्ग जो होता था, वो भी जो है अपने सामान के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते थे। इसके साथ साथ जो है आर्मी के लोग जो होते थे, वो कहना चाहिए दूसरे प्लेस को कॉन्क्योर करने के लिए, उस पर कब्जा जमाने के लिए भी वो मूव करते थे। साथ ही साथ जो है रिलीजियस जो कहना चाहिए पीपल होते हैं, वो अपने कहना चाहिए मैसेज देने के लिए, लोगों को टीच करने के लिए, अपने उपदेश देने के लिए भी वो कहना चाहिए विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन जो है जाया करते थे, ताकि वो अपनी बातें जो हैं, अपने संदेश जो हैं, अपने उपदेश जो हैं वो लोगों को बता सकें। इसके साथ ही साथ जो है उस समय भी मतलब कुछ लोग जो है एडवेंचर के लिए भी जाते थे, कि भाई उनको नई जगह को खोजना, कुछ रोचक स्थान जो होते थे उनकी खोज करना उनको अच्छा लगता था, और मतलब अपने आइडियाज़ जो हैं वो शेयर करना वो अच्छा लगता था। तो इस तरीके से पुराने समय में भी लोग ट्रैवल करते थे, अलग अलग कारणों से एक स्थान से वो दूसरे स्थान जाते थे। प्लस जब वो मतलब कहना चाहिए जैसे नॉर्थ का व्यक्ति साउथ में गया, साउथ का व्यक्ति नॉर्थ में गया, ईस्ट का कहना चाहिए वेस्ट में, वेस्ट का इसमें, तो जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जाता था तो वो व्यक्ति जो है वो अपने आइडियाज़ दूसरों को शेयर करता था। प्लस जैसे नॉर्थ वाला व्यक्ति साउथ में आया, तो नॉर्थ में यदि वो रहता तो ऑब्वियसली नॉर्थ का कल्चर तो है ही वो उसके पास। अब वो मान लो साउथ में गया तो ऑब्वियसली वहाँ जाएगा तो वहाँ के, क्योंकि हम भी नई जगह पे जाते हैं तो हम भी अडप्ट करते हैं ना चीज़ों को, नई चीज़ों को हम भी अडप्ट करते हैं, तो वो भी यदि नॉर्थ का व्यक्ति साउथ में गया तो वो भी साउथ की चीज़ें, वहाँ का कल्चर वो अडप्ट करता था। तो इस तरीके से मतलब कहना चाहिए कल्चरल हमारा जो ट्रेडिशन है वो भी डेवलप हुआ, मतलब इस ट्रैवलिंग से पुराने समय से लेकर आज तक हम देखेंगे तो इतना जो हमारा जो कल्चर डेवलप्ड हुआ है उसका रीज़न ये है कि व्यक्ति जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है और अपनी चीज़ें भी तो रखता है, साथ ही नई चीज़ों को वो अडॉप्ट करता है, एक दूसरे से हम सीखते हैं। तो इस तरीके से कहना चाहिए हमारा कल्चरल जो है वो भी डेवलप्ड होता है। आगे हम देखेंगे नेम ऑफ द लैंड, कि भारत भूमि का नाम जो इंडिया का नाम वो कैसे पड़ा। तो इंडिया जो है वो इंडस शब्द से बना हुआ है, जिसको संस्कृत में सिंधु कहते हैं। नॉर्थ वेस्ट में ईरानियंस और ग्रीक पीपल जो थे उन्होंने सिंधु को हिंदोस और इंडोस कहा, और इस नदी के पास वाली भूमि को उन्होंने इंडिया नाम दिया। इसके साथ साथ नॉर्थ वेस्ट के ज़मीन पर जो लोगों का कहना चाहिए समूह रहता था, वहाँ पर उस भूमि को उन लोगों ने भारत नाम दिया था। इस तरीके से कहना चाहिए जो भारत का नाम, जो इंडिया का नाम है वो इंडिया या भारत पड़ा। अब हम देखेंगे फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। अभी मैंने आपको बताया ना जैसे कि पुराने समय में लोग कैसे रहते थे, कैसे नगरों का विकास हुआ, कैसे उन्होंने खेती करना सीखा, कैसे वो ट्रैवलिंग करते थे, तो आखिर इन सब चीज़ों की जानकारी हमें कैसे मिली, कौन से वो स्रोत हैं जिसके आधार पे हम अपने हिस्ट्री के बारे में, हम अपने कहना चाहिए अतीत के बारे में, हम अपने पास्ट के बारे में जो बहुत सालों पहले घटित हुआ उसके बारे में हम जान सकते हैं। तो इसमें मैं आपको सोर्सेज बता रही हूँ। तो इसमें पहला सोर्स है मैन्यूस्क्रिप्ट्स।
तो मैन्युस्क्रिप्ट को हम पांडुलिपि भी बोलते हैं, मतलब जो हम कहना चाहिए पुरानी चीज़ों के बारे में जो जानते हैं, तो पुरानी चीज़ों को हम पुराने समय में जो किताबें लिखी हैं उसको हम पढ़ के जान सकते हैं। तो मैन्युस्क्रिप्ट जो है उसको हिंदी में पांडुलिपि कहा जाता है। मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है जो दो शब्दों के योग से बना हुआ है। मैन्यू मतलब होता है हाथ और स्क्रिप्ट मतलब होता है लिखा हुआ, मतलब मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो हाथ से लिखी हुई कहना चाहिए स्क्रिप्ट है। और ये जो है पुराने समय में कहाँ पर लिखा जाता था मैन्युस्क्रिप्ट जो है उसको, किस चीज़ पे लिखा जाता था, पाम लिप्स पे, और साथ ही साथ बार्क ऑफ द ट्री मतलब पेड़ों की छाल पे भी ये मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जाती थी, जिसमें कहना चाहिए उस समय की सारी जो टॉपिक्स हैं उनका वर्णन किया जाता था। उस समय कैसे रूलर्स होते थे, कौन से राजा होते थे, वो कैसा शासन करते थे, उनका जीवन यापन कैसा था, वो कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे ऑर्नामेंट पहनते थे, कैसा खाना खाते थे, उनके महल कैसे थे, व्हाटएवर। और इसके साथ साथ उस समय की जो कहना चाहिए मेडिकल सुविधा जो है वो कैसी थी, उस समय का जो कहना चाहिए रिलीजियस बिलीफ थे वो कैसे थे, वो कौन से देवता की पूजा अर्चना करते थे, और कहना चाहिए उस समय कोई गायक थे कि नहीं थे, राज दरबार कैसा होता था, जो ऑर्डिनरी पीपल होते थे उनका जीवन कैसा होता था, ये सारी चीज़ें जो हैं मैन्युस्क्रिप्ट में लिखी हुई हैं। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि मैन्युस्क्रिप्ट पाम लीव्स या पेड़ों की बार्क ऑफ द ट्री मतलब पेड़ों की छाल पे लिखे जाते थे, तो ये इसको थोड़ा सर्वाइव करने में मुश्किल होती थी, क्योंकि जैसे कीड़े वगैरह इंसेक्ट वगैरह जो है इसको खा सकते थे, ख़राब कर सकते थे, और तो इसके लिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम थी एक मैन्युस्क्रिप्ट में। लेकिन आज भी मतलब कहना चाहिए बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं वो सेफ हैं, टेंपल्स में जो मोनेस्ट्रीज होती हैं, जो मठ होते हैं, उनमें ये आज भी सुरक्षित हैं, और ये जो है उस समय की भाषा जो प्राकृत भाषा जो पुराने समय में चलती थी उसमें ये सब चीज़ें जो हैं लिखी हुई हैं। तो अभी मैंने आपको एक पहला सोर्स बताया मैन्युस्क्रिप्ट, दूसरा है इंस्क्रिप्शंस। तो मैन्युस्क्रिप्ट को तो पांडुलिपि हिंदी में बोला जाता है, इंस्क्रिप्शन को हिंदी में बोला जाता है शिलालेख। शिलालेख मतलब उस समय जो है इंस्क्रिप्शंस जो रूलर्स थे उनके द्वारा इंस्क्रिप्शंस लिखाए जाते थे, मतलब पत्थरों में वो अपने राजा महाराजा जो होते थे उस समय के जो लोग होते थे वो उनके यदि राजा के जो ऑर्डर वगैरह जो होते थे वो उन लोग जो है पत्थरों पे उसको लिखा देते थे। क्यों? क्योंकि पत्थर पे लिखा हुआ जो है वो बहुत अधिक समय तक रहता है, और वो चाहते थे कि लोग जो हैं उनके जो भी वो ऑर्डर देते हैं, रूलर्स जो भी जो ऑर्डर देते हैं यदि वो पत्थरों पे लिखे हैं तो लोग उनको पढ़ें, उनको फॉलो करें, उनको ओबे करें। और कहना चाहिए इसके साथ साथ पत्थरों के अलावा मतलब वो कोई भी हार्ड सरफेस जो होता था उस पे जो है अपनी बातों को वो लिखवाते थे। पुराने समय में रूलर्स जो है अपनी विक्ट्रीज जैसे राजा महाराजा वो बताते थे, वो ये सारी चीज़ों का उल्लेख इसलिए कराते थे ताकि आगे जो भी जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, उसके बाद जो भी जनरेशन आती जाएंगी तो ये जो शिलालेख या कॉइंस पे या हार्ड सरफेस पे ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये चीज़ें जल्दी समाप्त नहीं होंगी। तो मतलब बहुत पीढ़ियों तक लोग उन रूलर्स के बारे में जाने कि वो रूलर्स कितने शक्तिशाली थे, उन्होंने अपने राज्य में कितने अच्छे से शासन किया, और कहना चाहिए वो कितने पावरफुल थे, जो भी उनकी विक्ट्रीज होती थी वो सभी चीज़ों को वो कहना चाहिए पत्थरों पे या हार्ड सरफेस पे, कॉइन्स पे, इन सब चीज़ों को वो लिखवाते थे ताकि सभी लोग उनके बारे में जानें। अपने उनके वो जो कोई ऑर्डर देते थे पब्लिक के लिए तो उनको भी वो लिखवा देते थे ताकि लोग जो है उसको पढ़ें और जो है उसको ओबे करें और उसको फॉलो करें। तो पहला था मैन्युस्क्रिप्ट, इसकी सहायता से भी हम पुरानी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। दूसरे जो इंस्क्रिप्शंस शिलालेख जो पत्थरों पे लिखी हुई चीज़ें हैं उनसे भी कहना चाहिए पुराने समय में कैसे शासक होते थे, वो कैसा शासन करते थे, कितने पावरफुल थे, कितनी धन संपदा थी, और किस तरीके से वो अपना शासन चलाते थे, किस तरीके से उनका स्टेट रन करता था, ये सारी चीज़ें हमको इंस्क्रिप्शन में क्लियर मतलब इंस्क्रिप्शंस में जो है वो लिखी हुई हैं, जिससे पुराने समय की बातों का आसानी से पता लगाया जा सकता है।
और इसमें नंबर थर्ड है आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट को हम हिंदी में बोलते हैं पुरातत्ववेत्ता, है ना। तो आर्कियोलॉजिस्ट के थ्रू भी हमको मतलब अतीत के बारे में, पुराने समय के बारे में सारी जानकारियाँ मिलती हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग एक्सक्वेट और एक्सप्लोर करते हैं, मीन्स कहना चाहिए वो खुदाई करते हैं ज़मीन के अंदर। मतलब जैसे यदि मान लो उस समय पे कैसी बिल्डिंग्स, हजारों साल पहले जो बिल्डिंग्स थी वो अब ज़मीन के अंदर वो मतलब सिविलाइजेशन चली गई, तो वो खुदाई करके बिल्डिंग मटेरियल के थ्रू पुराने समय की जो पिक्चर्स हैं, स्कल्पचर हैं पुराने समय के, मतलब खुदाई करते हैं वो ज़मीन की, और उसमें मतलब कहना चाहिए खोजबीन करके, खुदाई करके वो इतिहास के बारे में पता करते हैं कि मतलब पुराने समय में लोग कैसे वेपन्स जो है, औजार वगैरह कैसे यूज़ करते थे, उस समय की जो लोग हैं वो कैसे ऑर्नामेंट जो हैं, कैसे गहने वहाँ पे लेडीज़ पहनती थी, किस तरीके के क्वाइंस चलते थे, कि क्या वो सिल्वर उस पे थे, मेटल पे, या फिर गोल्ड पे थे, या और किसी धातु से बने हुए होते थे। और साथ ही साथ वो बोन्स जो हड्डियाँ होती थी उनके भी कहना चाहिए, उनसे भी वो कहना चाहिए पता करते थे कि पुराने समय में मतलब चीज़ें कैसे होती थी। तो ये आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो भी एक्सकवेट और एक्सप्लोर करके, छानबीन करके, खुदाई करके जो है ज़मीन के अंदर चीज़ों का, पुराने समय की चीज़ों का पता लगाते हैं, और पुराने समय की बातों को, पुराने समय के लोगों के रहन सहन की, उनकी बिल्डिंग्स कैसे वो रहते थे, क्या खाते थे, कैसे पहनते थे, कैसे सिक्के थे उस समय, कैसे ऑर्नामेंट थे, तो इन सब की जानकारी जो है वो हमारे हिस्टोरियन यानी इतिहासकारकर्ताओं को देते हैं। और इन्हीं कहना चाहिए शोर्स के थ्रू जो है हमको अतीत की, हमारे पास्ट की जो है वो इन्हीं सोर्सों के थ्रू हमको उनकी जानकारी मिल जाती है। तो हमारे हिस्टोरियंस के लिए ये सोर्स बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनके थ्रू जो है हम पास्ट के बारे में इजीली जान सकते हैं। कारण कहना चाहिए इसको हम वन पास्ट नहीं, प्लूरल फॉर्म में ही उपयोग करेंगे। देन आगे है व्हाट डू डेट्स मींस। तो यदि हम तारीख की बात करें, या नॉर्मली मैं पूछूं डेट्स या तारीख के बारे में, तो मोस्टली हम कैसे यूज़ करते हैं कि भाई डेट, फिर मंथ और फिर ईयर, इस तरीके से हम डेट्स बोलते हैं। लेकिन ये डेट क्रिश्चियनिटी जीसस कहना, क्रिश्चियनिटी में जीसस बर्थ के बाद ये डेट काउंट की जाती हैं। लेकिन यदि इसके पहले कोई इवेंट होता है या हुआ था, तो हम उसको बीसी में काउंट करते हैं, बिफोर क्राइस्ट। मीन्स यदि मान लो कहना चाहिए इसके 10 ईयर्स पहले, जीसस बर्थ के 10 ईयर्स पहले यदि कोई इवेंट हुआ है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, 10 BC, मतलब 10 ईयर बिफोर क्राइस्ट। इस तरीके से जो है वो डेट्स लिखी जाएंगी। तो आज के जो 6th क्लास के हिस्ट्री के लेसन 1 में मैंने आपको ये बताया कि बहुत सालों, लाखों सालों पहले, हजारों सालों पहले, थाउजेंड्स और मतलब कहना चाहिए ईयर्स पहले जो भी चीज़ें होती थी, लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, तो इन सब बातों का पता जो है उसको लगाने के लिए जो है 3 सोर्सेज थे, उनके बारे में मैंने आपको बताया कि हम इन सोर्सेज के थ्रू, मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस और आर्कियोलॉजिस्ट, इन सब के थ्रू हम पहले जो है लाखों साल पहले क्या हुआ है उन सब की जानकारी ले सकते हैं, उन सबका पता लगा सकते हैं। थैंक यू।